ये प्रश्न है करुणेश कुमार जी का वाराणसी से। भगवद गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्यों पढ़नी चाहिए। सही बात है, कोई काम करते हो जानना चाहिए उसके पहले क्यों करना है। भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? बहुत हम लॉजिकली धीरे धीरे जाते हैं। आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि इस किताब में कंटेंट क्या है, यही देखते हैं पहले आप। अब आप गीता कंटेंट देख लीजिए। गीता में 5 विषयों की चर्चा है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अब इन 5 विषयों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये जो विषय हैं, जैसे एक चर्चा है इसमें जीव की। जीव मतलब हम सब जीव कहलाते हैं, सारे लोग हम जीव कहलाते हैं, मतलब हमारी चर्चा है, हम सब जीवात्माओं की चर्चा है, मतलब आपकी वास्तविक पहचान की चर्चा है। अब सोचिए, यदि आपको आपकी वास्तविक पहचान के विषय में पता ना हो, आप इस संसार में कैसे रह सकते हैं या संसार में आप कैसे काम कर सकते हैं? तो ये कंटेंट पहला हो गया इसका, जीव की चर्चा है। दूसरा इसमें चर्चा है प्रकृति की। हाँ, प्रकृति को, प्रकृति मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकृति है। कोई व्यक्ति बड़ा हंसने गाने वाला होता है, कोई जॉली होता है, कोई चिड़चिड़ा होता है, ऐसे अलग अलग तरीके के लोग आपको देखने मिल जाएंगे। तो अलग अलग लोगों की प्रकृति अलग अलग क्यों होती है? उस प्रकृति के अनुसार लोगों के अलग अलग भोजन होते हैं, अलग अलग श्रद्धा होती है, अलग अलग पूजा पद्धति होती है, दान देने की पद्धति अलग अलग होती है। ये सब के सब उस व्यक्ति के प्रकृति को, मैं यहाँ स्वभाव कहूँगा, उस स्वभाव के अनुसार व्यक्त होती है। अर्थात यदि आप भगवद गीता को पढ़ें तो आप लोगों के स्वभाव के विषय में जान सकते हैं। सिर्फ उसके डाइट पैटर्न जो होता है उसको देख के आप पहचान जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा होगा। उसके आप स्लीपिंग पैटर्न को देख के पहचान जाएंगे ये व्यक्ति कैसा होगा। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि आपको डीलिंग्स में कितनी हेल्प मिल सकती है, कितना सहयोग हो सकता है, और साथ ही साथ कैसे जो ये हमारे कंडीशनिंग है, इस कंडीशनिंग से हमें कैसे उठना है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कंडीशनिंग है ये हमारी, उसके बाद तो आप उन परिस्थितियों से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, वो जानकारी आपको गीता से मिलती है। तीसरी बात करें हम यदि कर्म, जो गीता का विषय है। अब दिन रात हम कर क्या रहे हैं? कर्म कर्म कर्म, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम क्या कर रहे हैं? कर्म। कर्म कैसे करना है, क्यों करना है, कर्म करने का सही तरीका क्या है, ये शिक्षा कहां मिल रही हमें? गीता से। देखिए कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है गीता के अंदर। अगला गीता का विषय काल, मतलब समय। समय हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इस टाइम फैक्टर के अंडर में है। टाइम फैक्टर काम कर रहा है सब जगह, हम चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे शादी विवाह हो रहा हो, चाहे बच्चे पैदा हो रहे हो, जो भी हो रहा है टाइम फैक्टर काम कर रहा है। तो ये टाइम फैक्टर कैसे चलता है, कैसे इसका हमारे ऊपर प्रभाव होता है, वो भी कहां पता चलता है हमें? गीता से, टाइम फैक्टर। और जो भगवान है, जो सृष्टि के नियंता है, जो सृष्टि के रचयिता है, जिनके निर्देशन में ये भक्ति प्रकृति कार्य करती है, सृष्टि का संचालन होता है, उनकी जानकारी भी हमें, परम नियंता की जानकारी भी हमें भगवद गीता से मिलती है। तो ये तो आप कंटेंट देखते हैं ना किताब का, तो आप कंटेंट देख लिया आपने गीता का, तो कितनी प्रैक्टिकल है ये आपकी लाइफ में, तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप देखते हैं कि भाई यदि मैं ये किताब पढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा। आप कोई सब्जेक्ट की बुक पढ़ने जाते हैं तो आपको पता है यदि ये किताब मैं पढ़ लूँ ना तो ये फला फला मेरे सिलेबस के जो 6 क्वेश्चंस हैं ये मुझे पक्का क्लियर हो जाएंगे इस किताब पढ़ने से, ये आप देखते हैं। तो अब आप देखिए बेनिफिट्स, देखिए आप गीता को यदि पढ़ते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको। ये गीता में माइंड की चर्चा की गई है कि माइंड कैसे काम करता है और माइंड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितना जरूरी है। यदि आप विद्यार्थी हैं, माइंड कंट्रोल आपको हेल्प करने वाला है। जब कोई प्रोफेशन में है तो आपको वर्क एफिकेसी चाहिए, आप अच्छे से काम कर पाए। कैसे होगा? जब माइंड कंट्रोल होगा अपने आप फोकस रहेंगे, फोकस रहेंगे तो 100% दे पाएंगे, 100% दे पाएंगे अच्छे से आप परफॉर्मेंस आपका अपने आप अच्छा होगा। फिर आजकल रिश्ते नाते टूट जाते हैं, कैसे? झगड़ा हो गया पति पत्नी में, झगड़ा हो गया दोस्तों के बीच में। झगड़ा क्यों हुआ, क्या कारण है? एंगर, क्रोध आया। क्रोध का क्या कारण है? गीता पढ़िए, भगवत गीता बताएगी क्रोध व्यक्ति को आता क्यों है, कैसे आता है, क्रोध का एंगर का मैकेनिज्म क्या है, भगवत गीता में बताया गया। प्रैक्टिकल क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको, बहुत बड़ी समस्या एक लस्ट, चाहे बच्चा हो और चाहे बूढ़ा हो,
सब लस्ट मतलब काम, सब उसकी शिकार है। तो ये लस्ट भी कैसे आता है और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये शिक्षा आपको गीता के अंदर मिल जाएगी। आजकल सुसाइड्स लोग कर लेते हैं, सुसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने से क्या होता है, यदि इच्छा आ गया तो कैसे हम उसके प्रति कैसा परसेप्शन, कैसा दृष्टिकोण रखें, वो शिक्षा आपको गीता के अंदर मिल जाएगी। हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज आपको गीता के अंदर जानने मिलेंगी, आपको पर्पस ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, जो वैल्यू सिस्टम है लाइफ का, वो आपको गीता के अंदर जानने के लिए मिलेगा। तो बेनिफिट्स है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इतने ज़्यादा हैं गीता पढ़ने के कि डे टू डे लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान आपको इस भगवद गीता के अंदर मिल जाएंगे। तो ये तो दोस्तों आप देख रहे हैं दोनों प्रकार के आपको इसमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, एक तो जो पर्सनल लाइफ में हमारी समस्याएं हैं वो हमें समाधान मिल रहे हैं, दूसरे सोशल सामाजिक रूप से जो समस्याएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे वो आत्महत्या की समस्या हो, चाहे वो लोगों के चरित्र की समस्या हो, उन समस्याओं को समाधान भी, उनके विषय में शिक्षा भी हमें भगवद्गीता से मिलती है। तो ये तो हमने दो कारण देख लिए आपको कि आपको गीता क्यों पढ़नी है। फिर आप देखते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा कि जब हम जाते हैं एक ही विषय के ऊपर, मान लीजिए मैं बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेता हूँ, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आपको कोई किताब पढ़नी है तो आपके पास 3-4 राइटर्स होते हैं, तो आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हैं, या तो आपके टीचर कहें कि भाई फला फला किताब पढ़ लेना, या आप देखते हैं जो बेस्ट राइटर है, ज़्यादातर हम लोग जो फॉरेन राइटर्स होते हैं उनकी किताबें पढ़ना, मतलब ऐसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एक माहौल है कि आपको फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ेंगे तो अच्छा है, अच्छा ही है गलत है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि बेस्ट राइटर्स की बुक्स हम पढ़ें, सबसे अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ें। अब आप खुद बताइए कृष्ण से अच्छा लेखक कोई हो सकता है? गीता किसने लिखी? वेदव्यास जी ने लिखी। वेदव्यास जी ने नहीं लिखी गीता, किसने लिखी गीता? लिखी गणेश जी ने। गणेश जी को हम क्या मानते हैं? बुद्धि के देवता। शर्त क्या थी? वेदव्यास जी ने कहा कि जब तक समझो नहीं तब तक लिखना नहीं, तो बुद्धि के देवता ने जो लिखा, हम जैसे मूर्ख तो है नहीं, बड़े विद्वान है, समझ के लिखा है सब। तो व्यासदेव ने कहा, गणेश जी ने लिखा, और भगवान श्री कृष्ण ने बोला, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला। तो इसके जो स्पीकर, जो राइटर हैं, वो भी बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, उनके जैसे संसार में कोई लोग नहीं है। तो ये तीसरा फैक्टर है। और चौथा फैक्टर देखो, आजकल क्या हो गया है ना, हम लोग सब बड़े मतलब शॉर्टकट वाले लोग हैं, सबको शॉर्टकट चाहिए, पैसा कमाने में शॉर्टकट चाहिए, पास होने के लिए शॉर्टकट चाहिए, पूरी किताब नहीं पढ़नी, कोई 20 क्वेश्चन मिल जाए उसको पढ़ के पास हो जाएंगे, है? तो भगवान को पता था ये कलयुग का प्राणी ऐसा दुष्ट होने वाला है, तो भगवान ने कहा चलो तुम्हें एक हम भी शॉर्टकट दे देते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धो गोपाल नंदना पार्थ वत्सल सुधीर भोक्ता दुग्धो गीतामृतम महत्। सारे उपनिषदों का सार जो है, जो फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है, उसका निचोड़ भगवान ने निकाला, और निचोड़ निकाले किसको दे दिया, बोले तुम लोग 700 श्लोक पढ़ लो गीता के, हमारा कल्याण हो जाएगा। मतलब फिर वही बात आती, कम समय में कैसे ज्यादा लाभ प्राप्त करें, तो आप पढ़ लीजिए 700 श्लोक गीता के, और सारे वेदों उपनिषदों का जो सार है, जो सिद्धांत है, वो इन 700 श्लोकों में आपको मिल जाएंगे। इसलिए भी आपको गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि वेदों में तो लाखों लाख श्लोक हैं, अब वो आप कैसे पढ़ेंगे, संस्कृत भी आपको आती नहीं है। चौथी चीज आपको गीता क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए गीता आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि जो मैंने कंटेंट आपको बताया, जो बेनिफिट्स बताए, ये दोनों ही लाइफ के मैनुअल जैसे हैं बिल्कुल। आप देखिए तो बिना मैनुअल के मोबाइल चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बिना मैनुअल के टीवी चलाओगे, बिना मैनुअल के गाड़ी चलाओगे तो नुकसान कर बैठोगे। इसलिए चूंकि लाइफ का एक मैनुअल है, और यदि आप इस मैनुअल को पढ़ के यदि आप जीवन बिताएंगे तो आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। जैसे होता है ना गाड़ी में कब ऑयल बदलना है, कब क्लच, जो भी उसके कब सर्विसिंग करवानी है, तो ये मैनुअल के हिसाब से चलेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाली जय श्री राम कहने वाले खोखले हिंदू मत बनिए। यदि आप सनातन धर्म संस्कृति को पालन करने वाले हैं तो घड़े को खाली मत रखिए, घड़े को इस भगवत गीता रूपी ज्ञान से भरिए, ताकि कोई दो प्रश्न पूछने वाला मिल जाए तो आपका मुंह शांत नहीं हो जाए। तो इसीलिए इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने अंदर सहेजिए, इसकी शिक्षाओं को जीवन में स्वीकार करिए, और फिर देखिए
कि किस तरीके से आप जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे, आपके पास जीवन की सारी समस्याओं के समाधान होंगे और आपकी जो लाइफ का एक डायरेक्शन है ना वो 180 डिग्री बदल जाएगा। पूरा आपका सोचने समझने का तरीका इतना सकारात्मक हो जाएगा, इस तरीके से इतना आत्मविश्वास से भर जाएगा कि आप वो आप स्वयं अनुभव करेंगे उस चीज़ को। तो इसलिए करुणेश जी, आपका जो प्रश्न था गीता क्यों पढ़नी चाहिए, ये सारे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो मेरे अभी दिमाग में आया, मैंने आपको बताया ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आप स्वयं गीता पढ़िए और मैं आपको रिकमेंड करूँगा भगवद गीता एज इट इज़। ये बहुत भगवद गीता यथारूप, ये बहुत ही विशेष है ये गीता। 50 करोड़ से कॉपीज इस गीता की बढ़ चुकी हैं और 80 से ज़्यादा भाषाओं में ये गीता ट्रांसलेट हो चुकी है। और देखिए, बहुत सारे लाखों लाखों लोगों का जीवन इस गीता को पढ़ने से बदला है। गीता वही है जो कृष्ण ने कही है, लेकिन व्याख्या जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो श्री श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या की है, जो कि गौड़ी वैष्णव परंपरा में आते हैं और सभी जगह किताब उपलब्ध है। तो आप इस भगवद गीता को आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए और आप स्वयं इसके अंदर परिवर्तन देखेंगे।